और इस समय की ताजा खबर बता दें आपको, 200 तकरीबन 200 रियल एस्टेट कंपनियों को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दरअसल इन रियल एस्टेट कंपनियों ने याचिका लगाई थी कोर्ट में, लेकिन इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुचित्रा मुखर्जी जुड़ गई। सुचित्रा, पूरी खबर बताएं विस्तार से, याचिका में क्या कहा गया था और क्यों इसे झटका माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए 200 रियल एस्टेट कंपनियां हैं जिसको की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रियल एस्टेट कंपनी है इनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी है। इन कंपनियों ने IBC संशोधन के खिलाफ एक याचिका यहाँ पर दायर कर संशोधन को गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से यहाँ पर होमबायर को राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के केंद्र सरकार का जो निर्णय था उसको बरकरार रखा है, जिसके तहत की IBC में संशोधन कर होमबायर को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर IBC में संशोधन किया गया था, होमबायर जो थे उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दिया गया था। इसी को लेकर रियल एस्टेट कंपनियों ने याचिका लगाई थी और उसमें जो संशोधन है उसे गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर इंसॉल्वेंसी IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है जिसमें कि बदलाव पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया है और होम बायर्स को भी जो लोन देने वाले बैंकों के साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। पूजा, शुक्रिया आपका सुचित्रा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। कोर्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया था कि होम बायर्स भी अब इंसॉल्वेंसी इनिशिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरह इंसॉल्वेंसी।